हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ सूरज पटेल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस के लिए है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो या B.Sc.IT। यस दोस्तों, आप लोगों को आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस है, ये पूरी बातें इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। अब दोस्तों ये पहले जो पैराग्राफ में मुंबई यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट को क्या बोलता है कि जो भी F.Y. प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, F.Y. बीकॉम, F.Y. बीए या F.Y. बी.एस.सी.आई.टी, ये सभी स्टूडेंट अगर पास है या इन स्टूडेंट को KT लगी हुई है तब भी ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए S.Y. बीकॉम, S.Y. बीए या S.Y. बी.एस.सी.आई.टी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी F.Y. बीकॉम या बीए या B.Sc.IT के स्टूडेंट को KT भी है वो तब भी S.Y. बीकॉम या S.Y. बीए या S.Y. बी.एस.सी.आई.टी में एडमिशन ले सकता है। और ये उन स्टूडेंट के लिए जो जिनका एकेडमी ईयर 2020-21 से लेके 2022 आइडल के स्टूडेंट थे, इनके जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए जाएंगे। मतलब F.Y. में आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया था वो S.Y. बीकॉम का जब फॉर्म आप फिलअप करोगे उसमें ऑलरेडी रहेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाएगा आपके S.Y. बीकॉम, S.Y. बीए और S.Y. बी.एस.सी.आई.टी के CBC पैटर्न के एडमिशन फॉर्म में ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो आप लोगों को इधर नीचे देखना होगा, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट टेक फॉर एडमिशन ऑफ फॉर F.Y. बीकॉम, F.Y. बीए, F.Y. बी.एस.सी.आई.टी प्रोग्राम, ठीक है, CBC पैटर्न के स्टूडेंट के लिए है। एकेडमी ईयर 2020-21 आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप करने का, रजिस्टर करने का, स्टूडेंट का हर एक चीज़ का ये लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को लिंक दिखा देता हूँ, ये लिंक है दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करके आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि दोस्तों स्टूडेंट हु इज इंटर हिज हर 16-डिजिट PRN नंबर। दोस्तों आपको पता होगा कि आप लोगों के पास PRN नंबर होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आपके होंगे तो आपको वो फिलअप करना है फॉर्म में, मतलब आपको यूज़र आईडी के जगह पे उसको यूज़ करना है। अगर वो नहीं है तो आपके मैसेज या ईमेल पे आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यूज़र आईडी अगर तब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं स्टार्ट होता है, तो आपको पता होगा कि आपका D20 या FF करके D के तरफ से कुछ डिजिट के आपके अपना नंबर होंगे जो आपको SMS के तरफ से आता है पहले के, तो दोस्तों वो नंबर भी आप यूज़र आईडी के जगह पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपका पासवर्ड क्या होगा, तो दोस्तों आपका पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, वो भी किस तरीके से लिखना है, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको इधर बता दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, इधर देखिए, इधर पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है, ये पासवर्ड है, मतलब पहले ईयर आया, बाद में मंथ आया, फिर आपके डे आए, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड तब भी मैच नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो दोस्तों आप लोगों को एक OTP आएगा जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप उससे फिलअप उस OTP को भी एज अ पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। आफ्टर लॉगिंग स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू चेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन स्टूडेंट प्रोफाइल। आपने एक बार अगर लॉगिन कर दिया तो आप कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको आपके प्रोफाइल में, जैसा है उसे वैसे ही रहने देना है। फॉर एडमिशन स्टूडेंट शुड बी क्लिक फॉर द अप्लाई ऑनलाइन क्लिक एंड सिस्टम फॉर विल बी शोइंग फॉर द एडमिशन लिंक सेकेंड ईयर। आपको जो भी आप एडमिशन करोगे दोस्तों, ठीक है, आपको लिंक दिया जाएगा आपके स्टूडेंट का, ठीक है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लिक, आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप अपने सेकेंड ईयर के जो भी है डेटा पे चले जाओगे, तो आपको कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। आफ्टर क्लिक फॉर सेकेंड ईयर लिंक स्टूडेंट हैव टू बी सिलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो दोस्तों, आपने जैसे ही आपने क्लिक किया, ठीक है, एडमिशन के लिए लिंक के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया, तो दोस्तों बाद में आपको जो भी स्टडी मटेरियल है
मतलब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो भी स्टडी मटेरियल आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हो, तो आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, टिक मार्क करके उसे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट हु फिल एडमिशन फॉर्म पर्सनली वेरीफाई ऑल डिटेल एंड बिफोर मेकिंग पेमेंट, आप कोई भी पेमेंट करने के पहले मुंबई यूनिवर्सिटी को आप पहले अपना फॉर्म फुल ही पर्सनली उसे वेरीफाई कर लो कि आपने सब डिटेल सही है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ने जो ऑटो जनरेट फॉर्म किया है वो भी सब डिटेल सही है कि नहीं, गलत है क्या है, पूरा एक बार चेक कर लो। आपका हर एक चीज़ चेक होने के बाद दोस्तों आप अपना पेमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी को सेंड कर सकते हो, और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, यूपीआई पेमेंट, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट फीस हर एक चीज़ हो जाता है, तो दोस्तों आप अपना स्टडी मटेरियल लेने मुंबई यूनिवर्सिटी जा सकते हो। स्टडी मटेरियल, ठीक है, लेने के पहले आपको एडमिशन फॉर्म का कॉपी, ठीक है, आपका फीस रिसिप्ट का कॉपी आपको लेके मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है और अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का टाइम जो है 11 to मतलब सुबह 11 से लेके 5 बजे तक का है, और उसमें लंच टाइम है 1 to 1.5 बजे के बीच, तो इसके बीच में आपको कोई भी चीज़ दिया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट की, मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या मुंबई यूनिवर्सिटी के एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपने पूरे इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईडी, हर एक चीज़ क्रिएट करना होगा और आपको फॉर्म फिलअप फिर करना पड़ेगा, जैसा ही मैंने ऊपर प्रोसेस आप लोगों को बताया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो s.y.b.com का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करना, आप अपने इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर देना, आपके फॉर्म फिलअप मैं करके दूंगा, लेकिन मैं उनके ही फॉर्म फिलअप करके दूंगा जिनके कमेंट इस वीडियो में आए रहेंगे नीचे, और कोई भी जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें से किसी को भी रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके फॉर्म फिलअप करके रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो आपको जो भी आपके आपको अगर करना है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, ठीक है, मैं कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।